brought to you by Khata Book. इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। बाबा भीमराव अंबेडकर अस्पताल में एक दिल दिला देने वाली वारदात हुई है। 30 साल की एक महिला के साथ अस्पताल की पार्किंग में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस के मुताबिक जो आरोपी है उसमें दो आरोपी वो अस्पताल के एक्स बाउंसर है, जबकि एक आरोपी सिक्योरिटी गार्ड है। महिला अपने एक परिचित के साथ अस्पताल में आई थी और अस्पताल में जो मरीज से मिलने आने वाले होते हैं उनके लिए एक शेल्टर बनाया गया है, उस शेल्टर में महिला रुकी हुई थी। जब ये तीनों आरोपी आते हैं महिला के पास, उसका वेरिफिकेशन करने के नाम पर पार्किंग एरिया में एक आइसोलेटेड इलाके में लेकर जाते हैं महिला को और उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देते हैं। ये जो पूरी वारदात है ये 31 अक्टूबर की दरमियानी रात की है। 31 अक्टूबर को महिला के शिकायत पर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करती है। सिक्योरिटी गार्ड हमसे पूछते हैं, यही पार्किंग एरिया है? यही पार्किंग एरिया है सर। जो गैंगरेप की वारदात थी उसके बारे में क्या जानते हैं? उसमें सर हमारी तो ड्यूटी नहीं थी उस टाइम पे, हम मॉर्निंग में होते ही ये नाइट में काम हुआ था। अच्छा। बाकी बताते हैं कि वो सिक्योरिटी वाले थे कुछ तो, और एक एनओ था। अच्छा, ठीक है, वो फरार है अभी। देखिए ये जो पार्किंग एरिया है इसमें एक एकांत सी जगह है, जंगल झाड़ियां हैं। वहां पर जो पुलिस के मुताबिक जो आरोपी है मनीष प्रवीण और कंवरपाल, ये तीनों महिला के पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि आप किसकी इजाजत से अस्पताल के इस परिसर में रुकी हैं। उसके बाद उसको धमकाते हैं और वेरिफिकेशन के नाम पर पार्किंग में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अस्पताल परिसर के अंदर क्या कोई महिला सुरक्षित नहीं है?